अस्सलाम असल मैं उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोहलिक्स एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट दिस द वर्ल्ड जर्नल नॉलेज बेसिकली ये ये वीडियो तो नहीं है पार्ट वन और फिफ्टी क्वेश्चन वाली ये तो मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें uh, बहुत सारी बड़ी मुश्किल से इन्फॉमेशन कलेक्ट की थी बहुत सारी और आप लोगों के लिए प्रजेंट किए जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले ऊपर ये लिंक आ रहा होगा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें आ, वीडियो जो है वो दूसरी है उससे पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर कर दूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स में मुझे ये इशू नज़र आ रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि हर डिफरेंट पोस्ट के लिए कोई डिफरेंट आप कह लें कि सिलेबस है या डिफरेंट तरीक़े से पढ़ना होगा देखिए जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़मिनीशनस होती हैं ना ये जितने भी सी एस एस का हो गया पी सी एस का हो गया म्यूनसिपलिटी ऑफिसर टाउन ऑफिसर और बी पी एस फाइव टू फिफ्टीन जितनी भी कॉम्पटिटिव एग्जामिनेशनस आएंगे, इन सब का सिलेबस जो है वो ओवरऑल सेम होता है ठीक है वही जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात इंग्लिश बेसिक मैथमेटिक्स ये सब सेम रहता है तो आपको जहाँ से जो भी वीडियो मिल रही है मेरी प्ले में मिल रही है कहीं और से कहीं कुछ भी मिल रहा है आप अपनी सिर्फ नॉलेज इंप्रूव करें या आपकी हर टेस्ट में काम आएगी हर टेस्ट में ठीक है तो ये मत सोचें कि ये नई जॉब आई है तो इसका सिलेबस अब इसकी अलग से तैयारी कैसे करेंगे अलग से कोई तैयारी नहीं होती वो एक ही सीरीज़ चल रही है आपकी आप अपनी जर्नल नॉलेज इंप्रूव करें आप अपनी जर्नल साइंस इंप्रूव करें इंग्लिश में सैनोनियम एंटोनियम या जो भी प्रिपोजिशन वगैरह हैं उसको इम्प्रूव करें मैथमेटिक्स की बेसिक्स इम्प्रूव करें इस्लामिया पाकिस्तान स्टडीज़ इन सब को आप इम्प्रूव करते रहें और ये एक दिन में या एक महीने में नहीं होगा इट टेक टाइम ठीक है ना ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप और फिर ये आपको इन शाला आगे हर टेस्ट के अंदर चीज़ें काम आती जाएंगी सही है सो so, आज की वीडियो जो है वो ये वाली तो नहीं है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है आप देख सकते हैं लिंक कब भी मैं बता दिया था आपको टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट या दिस वन अब ये जो जनरल नॉलेज है ये मैं कुछ मैंने स्नैप्स लिए हैं और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जा जाते हैं पेपर में हर किसी भी किस्म के पेपर में आ, और ये जो है मैंने हु इज़ हु इन वॉट इज़ वॉट से लिए ठीक है ठीके? तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बुक के बारे में क्या है मैं इससे पढ़ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करता रहा ठीक so, है सो विदाउट अ फर्दर स्टार्ट करते हैं इसको हम हमट ये आ जाएगा रहा? ओके ठीक है जनाब सॉरी 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 ये स्टार्ट से लग गया है मैं इसको वहाँ से लगाता हूँ जहाँ से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है इस यहाँ से ठीक है इसको हम आ, स्लाइड शो में जाके फ्रॉम द करंट स्लाइड कर देते हैं या दिस वन ठीक है अब आपके सामने टाइटल तो आ गया है इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहली पिक आपको नज़र आ रही होगी फेमस इंटरनेशनल लाइंस ठीक है और ये दो स्नैप्स जो हैं मैंने लेके के बुक से यहाँ पे पेस्ट किए हैं इंटरनेशनल लाइन से मोस्टली मुराद है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो कंट्रीज़ के दरमियान फेमस इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनकी बात हो रही है अभी इसमें कोई और एक दो फेमस इंटरनेशनल लाइन्स आ जाएंगी ये कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के जो नेम्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सो आई थॉट आई वाज स्टिंग दैट तो आई थॉट कि मैं आपसे ये सब शेयर करूँ लेट मी जूम इन इसको मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए जी हम स्टार्ट करते हैं और नंबर वन इज़ कंट्रोल लाइन ठीक है आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है एम सी क्यूज़ में कि कंट्रोल लाइन क्या है तो इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर आई एच के जिसे हम कहते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके दरमियान जो बॉर्डर है ना जनाब आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्योपाइड कश्मीर मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं इनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं कंट्रोल लाइन ठीक है और ये 1971 की वॉर के नतीजे में जो कि हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली लेकिन वहाँ पर यह कंट्रोल लाइन लगा दी गई तो आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान की तरफ है और ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इसके ऊपर अभी इंडिया का कब्ज़ा है अनसेटल्ड प्लेस है ये ठीक है कंट्रोल लाइन इसको कहते हैं बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कंट्रोल लाइन जो है वो समझते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है तो जनाब ये इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहते हैं इंडो पाक जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन ठीक है पूरा इंडिया और पाकिस्तान जिस बॉर्डर से सेपरेट है उसका नाम है रेड क्लिफ़ लाइन इसको सर जॉन सैरल ने जो है वो आ, किया था डी मार्क किया था उसको तो इसीलिए उनके नाम पर सर, सर जॉन सैरल रेड क्लिफ उनके नाम पर रेड क्लिफ लाइन रखी गई है तो ये नाम याद रखिएगा पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन आगे चल रहे हैं कर्जन लाइन कर्जन लाइन इट इज़ दॉलिश रशियन फ्रंटियर नेम आफ्टर द लॉर्ड कर्जन ठीक है पोलैंड और रशिया के दरमियान जो है वो एक डिमार्केशन है एक बॉर्डर लाइन है उसको कर्जन लाइन कहते हैं तो जहाँ कहीं भी आपसे पूछा जाए कर्जन लाइन क्या है चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप ठग से टिक कर देना पोलैंड और रशिया के दरमियान जो फ्रंटियर लाइन है और ये क्यों हुई ये लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने डीमार्क किया था तो उनके नाम पे बेसिकली ऐसे ही होते हैं जो जो डीमार्क मार्क करा होता है उसके नाम पे जो है ना उस बॉर्डर का नाम रख देते हैं जैसे यहाँ पे इंडो पार्क में आपको नज़र आया उसके बाद दियूर लाइन द तो फेमस दियोरट लाइन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ड्यू कुछ लोग पढ़ते हैं दियूरथ वट इंग्लिश में हम ड्यू पढ़ेंगे इट इज़ द फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ठीक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको हम दूर लाइन या ड्यूरेंट लाइन कहते हैं इन लोगों ने यहां पे 1300 हंड्रेड माइल्स इन लेंथ लिखा हुआ है बट मैंने काफी एग्जाम्स में देखा है पास्ट के वो किलोमीटर्स पूछते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ कितनी है के के अंदर और चार पांच आपको ऑप्शन दे देंगे तो मैंने यहाँ पर यह लेंथ लिख दी है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड आंसर ये लेंथ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में अभी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर हुआ था और शायद एफ का पेपर हुआ था उसमें भी सवाल आए थे ठीक है उसके बाद ग्रीन लाइन यह डिमार्केशन है किसके दरमियान ग्रीक टर्किश एंड साइप्रियोट कम्युनिटीज़ यानी कि ग्रीस के, के दरमियान टर्किश यानी तुर्की और साइप्रियोट यानी साइप्रस इन तीनों तीनों ममालिक के दरमियान जो बाउंड्री लाइन खींची हुई है उसको हम कहते हैं ग्रीन लाइन ठीक है तो ये याद रखिएगा ग्रीन लाइन इज द बॉर्डर लाइन डिमार्केशन बिटवीन ग्रीस टर्की एंड साइप्रस नेक्स्ट वन इज़ हाइडिन लाइन हाइडिन लाइन जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है देखो हाइडिन जो है ना चलें इसकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी हाइडिन लाइन से बस आप जर्मन याद रखिएगा इट इज़ अ जर्मन लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन इट सेपरेट्स जर्मनी फ्रॉम पोलैंड ठीक है Germany Poland, तो पोलैंड और जर्मनी के दरमियान जो डिवीजन हुई हुई है लाइन की बॉर्डर लाइन की उसको हम बोलेंगे हाइडिनबर्ग ठीक है और ऊपर था पोलैंड और रशिया के दरमियान जो हुई हुई है उसको उसका नाम है कर्जन लाइन तो ये सारी लाइंस आपको याद रखनी है हॉट लाइन हॉट लाइन हम क्या कहते हैं हॉट लाइन इज़ अ डायरेक्ट लाइन एक्चुअली अ टेलीफोनिक लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर यूज इन एमरजेंसी ठीक है किसी प्रेसिडेंट या आ, आप कह लें कि पी एम जो है वो किसी दूसरे मुल्क के पी एम से अगर एमरजेंसी में बात करना चाह रहा है तो हॉट लाइन पर बात करेगा जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि पी एम पी एम इमरान खान जो है उन्होंने हॉट लाइन पर बात करी आ, आ, टर्किश पी एम से यू नो वट एवर तो ये डायरेक्ट लाइन होती है इसका एक्सेस जो है पब्लिक के पास नहीं होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सेस होता है तो हॉटलाइन का मतलब आप याद रखिएगा इट्स अ टेलीफोनिक लाइन बिटवीन दी हेड्स ऑफ दी गवर्नमेंट यूज़ फॉर द एमरजेंसी उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन ये एक इमेजनरी लाइन है आइडियल uh, आई डी एल कहते हैं इसे इट इज़ एन इमेजनरी लाइन एक्सटेंडिंग नॉर्थ एंड साउथ थ्रू पैसिफिक ओशन ठीक है नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है साउथ जो है वो नीचे की तरफ होता है तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है और यहाँ से अगर कोई चीज़ क्रॉस कर जाए तो टाइम एंड डेट चेंज हो जाता है समथिंग लाइक दैट ठीक है तो बस याद रखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन नॉर्थ से साउथ तक तक एक्सटेंड हुई हुई है पैसिफिक ओशन में एक इमेजनरी लाइन है उसके बाद मैगी नॉट लाइन इट इज़ अ फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन ये फ्रेंच पीपल जो हैं उन्होंने ये फोर्टिफिकेट की थी 1934 में अलोंग द जर्मन बॉर्डर फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू बेल्जियम जर्मन से लेके स्विट्जरलैंड और बेल्जियम इन तीनों मुल्कों को अलग किया था फ्रांस ने अपने साथ इस फोर्टिफिकेशन के साथ जिसका नाम है मैगी नॉट लाइन 1934 में बिल्ट हुई थी इसका अक्सर सवाल आ जाता है उसके बाद मैकमा लाइन मैकमा uh, लाइन ये भी एक बाउंड्री लाइन है मैं इसमें थोड़ा सा अभी क्लियर कर दूंगा आपको पहले पढ़ देता हूँ इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इट वॉज़ डी अंडर अ बाउंड्री पैक्ट कंक्लूड कंक्लूडेड इन 1934 अच्छा देखो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक पैक्ट हुआ था 1914 में ठीक है जब वर्ल्ड वार वन हो रही थी uh, उस वक्त जो है वो ये पैक्ट हुआ था कि एक बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेते हैं कि चाइना का तिब्बत वाला एरिया ठीक है चाइना का तिब्बत वाला एरिया और इंडिया, और इंडिया का जो ब्रिटिश कंट्रोल उस वक्त था इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे मैकमा लाइन से ठीक है बट डेट वाज बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना देन उस वक्त की बात थी अभी अगर आपसे कोई पूछे कि चाइना और इंडिया का नाम क्या है तो आप बोलेंगे सॉरी चाइना और इंडिया के बॉर्डर का नाम क्या है तो आप कहेंगे एल ए सी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ठीक है राइट नाउ इन प्रेजेंट डे अभी इस वक्त चाइना और इंडिया के जो ब्रॉडर है उसका नाम है एल यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंट्रोल ठीक है तो मैकमा लाइन ये पास्ट में थी जो कि चाइना की तिब्बत को और इंडिया के ब्रिटिश को कंट्रोल वाले इंडिया को डिवाइड करी थी राइट नाउ इट्स एल आई होप कि क्लियर हो गया हो उसके बाद मैनरहाइम लाइन या मैनर हम लाइन ये एक डिफेंस लाइन बिल्ट हुई थी 1939 के अंदर इसके बारे में इतना वैसे पूछा नहीं जाता मैं सिर्फ आ, मुझे नज़र नहीं आया इसके बारे में एक भी कोई सवाल डिफेंस लाइन हुई थी 1939 में बिल्ट हुई थी नाइनटीन थर्टी में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई है ठीक है याद रखिएगा और 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म हो गई थी तो ये एक डिफेंस लाइन हुई अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैन हरम ये कोई जनरल होंगे इनका ये वो एयर इंड डेथ लिखा हुआ है फिनिश सोल्जर एंड स्टेटमेंट इन 1930 थर्टी टू नाइनटीन फोटी वार विद द रशिया रशिया के साथ कोई वॉर हो रही थी ट दैट ठीक है आपको पढ़ना हो तो उसको वैसे ही पढ़ लेगा उसके बाद ऑर्डर लाइन इट इज दाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड पोलैंड और जर्मनी के दरमियान जो बाउंड्री है और ये वर्ल्ड वार टू में स्टैब्लिश की गई थी आफ्टर द वर्ल्ड वार ठीक है इट वॉज दॉ इस्टिश आफ्टर द वर्ल्ड वार टू यानी नाइनटीन फोर्टी फाइव के बाद ही ये बाउंड्री क्रिएट करी की गई होगी जर्मनी एंड पोलैंड के दरमियान ठीक हो गया ओके uh, okay, उसके बाद राइट क्लिफ लाइन राइट क्लिफ लाइन अभी मैं आपको बता ही चुका था यहाँ पे ये रेड क्लिफ लाइन ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया डिमार्केटेड बाय सर सैरल रेड क्लिफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ दब कॉन्टिनेंट इन नाइनटीन सही है तो ये सारी जो लाइन्स हैं ना इनको एक कॉपी रजिस्टर या जर्नल में आप लिख लें ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जब भी ये हु इज इन वॉट इज वॉर्ड में इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं आगे चल रहा हूँ एक मिनट ये भी पढ़ेंगे सब पहले इसको क्लियर कर लें या दिस वन अभी और कुछ लाइन अच्छा अब ये नंबर्स वाली ये बहुत रिपीट होती हैं सेवनटीन्थ पैरल लाइन ट्वेंटी फोर्थ लाइन क्या है स्पेशली ये फोर्टी नाइन लाइन और थर्टी एट अब इनको पढ़ लेते हैं सेवनटीन्थ पैरल लाइन जो है ये साउथ वेतनाम एंड नॉर्थ वेतनाम के को डिवाइड कर रही थी लेकिन जब 1975 में वेतनाम जो है वो यूनिफाइड हो गया पूरा तो फिर ये डिमोलिश कर दी गई ठीक है तो ये सेवनटीन पैरा लाइन ये एग्जिस्टिंग बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वेतनाम एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन इन नाइनटीन ऑफ़ बोथ वेतनाम्स इट वॉज डिमोलिश्ड तो याद रखिएगा साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम के बॉर्डर बॉर्डर लाइन को जब पहले जब था ये उसके बाद ट्वेंटी फोर्थ पैरल लाइन इट इज़ द बॉर्डर लाइन विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान एज अ फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन द डिस्प्यूट ऑफ रन ऑफ कच इन 1965 तो 1965 में ये एरिया हमारे पास आ गया था रन ऑफ कच का और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर लाइन डीमार्क कर दी थी ठीक है इस इसको कहते हैं नाइनटीन ट्वेंटी फोर्थ पैरल लाइन ठीक है 19, uh, line, ये डिफरेंट बॉर्डर है पाकिस्तान का रेड क्लिफ से रेड क्लिफ़ तो उस वक्त पार्टीशन के टाइम हुआ था लेकिन पैसठ की जंग में कुछ रन ऑफ कच का एरिया भी हमारे पास आया तो फिर हमने वहाँ पर जो बॉर्डर लाइन लगाई ला उसको हमने नाम दिया ट्वेंटी फोर्थ पैरल लाइन और ये पाकिस्तान ने डी मार्क है ठीक uh, uh, है थर्टी एट्थ पैरल लाइन वेरी फेमस ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ठीक है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो है वो बॉर्डर लाइन है और इनके भी अपने मसले चलते रहते हैं नॉर्थ और साउथ कोरिया के इनमें कोई इतने बरदराना ताल्लुकात नहीं है ठीक है तो इन दोनों को जो डिस जिस बॉर्डर से डिवाइड किया जा रहा है उसका नाम है थर्टी एट्थ पैरल लाइन और राइट साउथ कोरिया का कैपिटल uh, है सियोल एस ई ओ एल एंड नॉर्थ कोरिया का क्या है प्योंग यंग आई थिंक इस तरह करके कुछ है प्योंग यंग करके हाँ पियॉन्गेंग इस तरह तो इनके कैपिटल्स भी आप लोगों को याद होने चाहिए लाइक like, ठीक uh, है ना जर्मनी का क्या था बर्लिन था और पोलैंड का क्या है बॉर्सैक है आई बिलीव तो इस तरह से उसके बाद फोर्टी नाइन्थ लाइन वेरी फेमस जो कि है बिटवीन कनाडा एंड यू एस ए कनाडा और यू एस ए के बहुत अच्छे तल्लत हैं और इनके दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसको फोटी नाइन्थ पैरा लाइन कहते हैं और वहीं बॉर्डर लाइन के ऊपर नाइग्रा फॉल्स भी है जो कि कनाडा में लग रहा होता है ठीक है उसके बाद ये एक आ, इसको याद रखना है तो याद रखें ये प्लिसॉल लाइन ये एक हॉरिजेंटल लाइन पेंट की जाती है मर्चेंट शिप्स के ऊपर यानी वो शिप्स जो कि बहुत सारा सामान लेके जा रहे होते हैं मर्चेंट शिप्स जो होती हैं वहाँ पर एक लाइन पेंट की जाती है कि इससे ज़्यादा जो है ना लोड करोगे अगर आप सामान तो वो इलीगल हो जाएगा ठीक है तो ये लिमिट दे दी थी कि इस लिमिट के अंदर अंदर जितना भी आप सामान लोड करेंगे वो लीगल होगा इस लाइन प्लमसॉल में इस लाइन से ज्यादा अगर आप लोड करेंगे तो इलीगल हो जाएगा एक ऐसी जर्नल नॉलेज की बात है आप याद रख लें तो रख लें सो दैट्स इट अबाउट द इंटरनेशनल फेमस बाउंड्री लाइन ये पूरी आपको है ना सत्रह अट्ठारह जितनी हैं सब जो है ना याद होनी चाहिए हिफ्ज़ होनी चाहिए इनके बारे में पूछा जाता है हर एंगल से ठीक है उसके बाद फेमस इंटरनेशनल स्ट्रीट्स जी ये भी पूछी जाती हैं बाल्डविन स्ट्रीट, स्ट्रीट बाल्डविन स्ट्रीट न्यूजीलैंड की स्ट्रीट है बड़ी फेमस स्ट्रीट है ठीक है ना जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं ना हमारे यहाँ जेब स्ट्रीट है या कराची में तारक रोड है इस तरह से लाइक सपोज हम लोग लोकली कह रहे होते हैं लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेमस है बेल्डविन स्ट्रीट दिस इज फेमस स्ट्रीट लोकेटेड इन न्यूजीलैंड और इसकी मैक्सिमम ग्रेडियंट इंच और ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये नहीं पूछा जाता बस सिर्फ ये पूछा जाएगा बेल्टन स्ट्रीट कहाँ पर है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यू एस तो आपको न्यूजीलैंड पर टिक करना है और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड की जो प्रेजिडेंट हैं अभी पी सॉरी क्या नाम है उनका जैसिंडा आर्डिन यस तो इस तरह से चीज़ें भी थोड़ी देख लिया करें जैसिडा आर्डिन और ये सेकेंड टाइम सेलेक्ट हुई है लेबर पार्टी से हैं यू you नो know, आगे चल रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट वेरी फेमस बॉन्ड स्ट्रीट जो है वो टेलरिंग और ज्वेलरी स्ट्रीट है कहाँ पर लंदन के अंदर ठीक है और वो जेम्स बॉन्ड की जो मूवी है ना वो असल में यूके बेस्ड है ये तो आपको पता होगा ना यानी कि इंग्लैंड इंग्लैंड वालों ने वो बॉन्ड सीरीज़ जो है वो बनाई हुई है तो ये बॉन्ड स्ट्रीट शायद उसी के नाम से या उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने रखा होगा वट एवर ट्रेलिंग स्ट्रीट है बहुत अच्छे यहाँ पर सूट्स वगैरह सिलते हैं और ज्वेलरी की बहुत दुकान है सो डैट इज़ फेमस बॉन्ड स्ट्रीट इन लंदन ब्रॉडवे ब्रॉडवे दिस इज़ अ फेमस स्ट्रीट इन यू एस एंड रिकॉर्डेड एज द बिगेस्ट स्ट्रीट इन दर्ल्ड ठीक है बिगेस्ट स्ट्रीट सबसे बड़ी स्ट्रीट है ये दुनिया की ब्रॉडवे नाम भी ब्रॉड ब्रॉड से याद रख लीजिएगा ब्रॉडवे द बिगेस्ट स्ट्रीट ब्रॉडवे पिज़्जा भी होता है वैसे ठीक है आजा, आ जा यू एस ए के अंदर है ये याद रखिएगा आगे चल रहे हैं डाउनिंग स्ट्रीट नंबर टेन ये क्यों फेमस है भाई डाउन डाउनिंग स्ट्रीट ये इसलिए फेमस है फॉर दी ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लोकेटेड इन वेस्ट मिनिस्टर इंग्लैंड ठीक है यूके का प्राइम मिनिस्टर इस स्ट्रीट के ऊपर इसका जो है ना महल बना हुआ है घर बना हुआ है वॉटवर सही इंग्लैंड के अंदर है ये जैसे बनी गला जो है हमारे यहाँ मशहूर है पाकिस्तान में बनी गला में पीएम साहब की रेजिडेंसी है ठीक है उसके बाद एलन स्ट्रीट जी साइलेंट होगा एलन स्ट्रीट दिस स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में ये स्ट्रीट लोकेटेड इट इज़ द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट स्ट्रीट ठीक है अब आपको दो चीज़ें पता लगें बिगेस्ट स्ट्रीट कौन सी है ये आ गई ब्रॉडवे नाम से पता लग रहा है ब्रॉड मीन्स चौड़ा या आप कह सकते हैं ना एक ब्रॉड में एक लेंथ में लेंथ में तो नहीं खैर बिगेस्ट होगा उसके बाद आ, या द एलन स्ट्रीट एलन स्ट्रीट जो है वो स्कॉटलैंड की शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है सही उसके बाद एक और मशहूर स्ट्रीट है लंदन की फ़्लीट स्ट्रीट के नाम से है फ्लीट एफ एल डब्ल ई टी फ्लीट ये भी लंदन में है एक और स्ट्रीट है जैक्सन स्ट्रीट अभी मुझे एकदम याद आ गई वो भी लंदन में ही है तो इस तरह से याद रखिएगा फिर लॉमबार्ड स्ट्रीट जी ये लॉमबार्ड स्ट्रीट जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है अमेरिका यूएसए एस ए में और ये जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है पूरा से स्ट्रीट के ऊपर आपको इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी तो ये है लॉम्बार्ड स्ट्रीट ठीक हो गया उसके बाद मोनोमेंटल एक्सेस इट इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट स्ट्रीट ठीक है वाइडेस्ट स्ट्रीट यानी वर्थ के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो वाइडेस्ट स्ट्रीट जो है वो ये है बिगेस्ट यानी कि वो ये थी ब्रॉडवे सही है और वर्थ के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ये है दिस स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन ब्रासीलिया ब्रासीलिया जो है वो कैपिटल uh, है ब्राज़ील का सही है तो मोनोमेंटल एक्सिस याद रखिएगा वाइडेस्ट में ब्रॉडवे जो है वो ब्रॉडवे uh, uh, जो वो बिगेस्ट है और जनाब शॉर्टेस्ट जो है वो एलन स्ट्रीट है उसके बाद हम आ जाते हैं विकोला डेला ओके ये क्या है विकोला डेला वेरेटा इट इज़ द वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्ट्रीट सबसे तंग गली जो है सबसे तंग उसको वी से याद रखिएगा वी डी वी विकोला डेला वेरिलिटा वी डी वी सबसे छोटी स्ट्रीट है जितना बड़ा नाम है उतनी उतनी छोटी स्ट्रीट है टोटल विड बता रहे हैं फोर्टी थ्री सेंटीमीटर और इतने इंचेस तो आ, जो थोड़े से मोटे हजरात हैं वो इस स्ट्रीट से ना गुजरें फंस जाएंगे ठीक है आगे चल रहे हैं हम वॉल स्ट्रीट वेरी फेमस वॉल स्ट्रीट ये न्यूयॉर्क में है और ये बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट सबसे बड़ी जो है वो यहीं पर है न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट ये याद रखिएगा और इसी तरह से सैन फ्रांसिस्को में ये थी लॉमबार्ड स्ट्रीट ये भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है बट सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो वॉल स्ट्रीट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो सारा स्टॉक एक्सचेंज का और यू you नो know, सारा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है सो एंड द अदर वन इज़ स्ट्रीट इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीट दिस स्ट्रीट इज़ इन द टोरंटो कनाडा अब देखो तीन चीज़ें पता लगी बिगेस्ट स्ट्रीट ब्रॉडवे शॉर्टेस्ट स्ट्रीट एलन स्ट्रीट वाइडेस्ट स्ट्रीट सबसे ज़्यादा वाइड जो है वो मोनोमेंटल एक्सिस और लेंथ में सबसे बड़ी जो है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट का मतलब है लेंथ में लेंथ में सबसे बड़ी जो है वो ये योंगेस्ट स्ट्रीट है या यौनि स्ट्रीट ये कहाँ पर है टोरंटो कनाडा में ये स्पेशलिटीज़ जो है ना आपको याद रखनी है ठीक है और राइट आगे मूव कर रहा हूँ क्विकली या इट इज अब इसमें ये तो अभी जोडियाक्स हैं जिसको वैसे तो एग्जाम्स में इसके बारे में कोई पूछा नहीं जाता आपको अगर पर्सनली कोई इंटरेस्ट है तो आप इसमें से कोई इन्फॉमेसन लेना चाहें तो ले लिएगा क्योंकि लोगों को कुछ होता है ना जो डी वगैरह का आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट ऑल सो अब इसको मैं आगे ले जाता हूँ मंथ्स ऑफ द ईयर ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको मैं भी बता देता हूँ देखें यह तो हमारा जॉर्जन कैलेंडर है जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम कहते हैं uh, ये हरब्यू में है हरब्यू वो जबान है जो जिसमें जोइ स्क्रिप्टर सबसे ज़्यादा है यानी कि यहूदियों का जो स्क्रिप्ट है या यहूदी बोलते हैं अभी भी वो हरपियो बोलते हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं है हिंदू या हिंदी जबान के अंदर किस तरह से जनवरी को जनवरी बोलेंगे या फेबर को फेबरी बोलेंगे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मुस्लिम्स यानी कि हमारा जो बारह महीने है वो मुहरम से स्टार्ट है ना लाइक जनवरी अभी चल रहा है तो अभी हमारा यार स्टार्ट नहीं हुआ जब मुहरम स्टार्ट होगा तो हमारा पहला महीना होगा तो फिर सेकेंड हमारा सफ़र होगा फिर रबील रबीस्ानी जमातुलवाल जमतानी रजब शाहबान रमज़ान शवाल ज़ीक़त ज़िलच ये बारह महीने ना आप हिफ्स कर लें मैं ये क्यों कह रहा हूँ बात इसलिए बिकॉज इन से रिलेटेड सवाल आते हैं आपसे पूछा जाएगा जमातस्सानी जो है वो कौन सा महीना है आठवाँ सातवाँ छठा पाँचवाँ आप गया सवाल आपका एम सी क्यूज हालाँकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये ठीक है जिसको ये याद होंगे वो आराम से उंगली पे गिन के बता देगा हाँ यार ये सातवां आठवां या पाँचवाँ महीना है वटैवर और टिक हो जाएगा सीधे सीधे आपके दो मार्क्स हो गए एम सी के तो ये ये महीने जो है ना ये पूछे जाते हैं इनको याद करें बींग एज अ मुस्लिम भी हमें हमारे महीने याद होने चाहिए भाई ठीक है इनको याद कीजिए आप और इनको सीक्वेंस वायद याद कीजिए कि आपको पता लगे कि अगर आपसे जिल का पूछा जा रहा है तो वो बारवाँ महीना है और मुहर्रम का पूछा जा रहा है तो पहला महीना है सफ़र दूसरा महीना रबी अवल तीसरा चौथा एंड सो ऑन ठीक है so और रमज़ान के बारे में असल में पूछते हैं तो इस तरह से ये सीक्वेंस याद कर लेगा आठवां नवा महीना शाबान रमज़ान मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाया था ठीक हो गया जनाब उसके बाद नोट दिस वन ओके ये कुछ एराज हैं इनको जहन में रख लें ठीक है अब्राहम तो, एक एरा ठीक है जिसमें इब्राहिम सलाम जो है वो और उनका वो पूरा एरा जो स्टार्ट हुआ उसका बिगेिंग एरा जो है वो तीन हज़ार पंद्रह बी सी अक्टूबर मेन मेन इराज पर मैंने वैसे ही थोड़ा सा वो कर दिया है रोमन एम्पायर कब कब स्टार्ट हुई थी सेवन फिफ्टी थ्री बी सी में बी सी मतलब बिफोर द क्राइस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ़ द क्राइस्ट उसके बाद और देख लें आप ये जूलियन सीज़र जूलियन सीज़र एक बहुत बड़ा जो है वो इनका जनरल uh, था एक कमांडर था इनका रोमन्स का उसका भी एक इरा स्टार्ट हुआ 45 फाइव बी सी से और फिर अगस्त भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था इनका रोमन का फिर क्रिस्टन एरा फिर इस्लामिक हिजरी हमारी स्टार्ट हिजरी 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 वाला एरा जो है ना वो सिक्स ट्वेंटी टू ए डी में स्टार्ट हुआ है सही है ना तो जब आप ने मदीना हिजरत कर ली थी तो उसके बाद सारा इरा और का जो का इरा यानी जो जरतीश लोग हैं जो आग की पूजा करते हैं उनका इरा जो है वो इस एडी में स्टार्ट हुआ था और चाइनीज़ इरा जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था ये कुछ चार पाँच इराज हैं इनको देख लीजिएगा कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है और राइट आगे मूव करते हैं एंट एंटेमोलॉजी ऑफ द डे और इसमें से भी काफ़ी आ जाते हैं क्वेश्चंस Uh, यानी कि ये जो डेज़ हैं इनको क्यों uh, रखा गया है इनका जो नाम है वो क्यों रखा गया मंडे को मंडे क्यों कहते हैं इट इज़ एब्रीवेटेड फ्रॉम द मून डे ठीक है ग्रीक्स या रोमन्स या कोई uh, कोई मैथोलॉजी थी और उनको जब मून नज़र आता तो उस दिन को उन्होंने मंडे का नाम दे दिया तो फिर वो मंडे से मंडे पड़ गया ठीक है इसी तरह से ट्यूज़डे बोथ एंड रोमन्ग्लोसे डेडिकेटेड दिस डे टू द गॉड ऑफ द वॉर इन्होंने कहा कि भाई ट्यूज़डे के दिन तो जो है ना हम जंगे जीत रहे हैं या यू you नो know, तो उससे उन्होंने गॉड ऑफ द वॉर यानी कि जो इनका गॉड था वॉर का जंग का उसके नाम से मुनासबत दे दी इन्होंने उन्होंने कहा कि ट्यूसडे वाला दिन जो है हमारे इस खुदा के लिए ठीक है गॉड ऑफ़ वार के लिए उसके बाद वैडनस डे इट इज़ ड्राइव फ्राम दी एंग्लो सेक्शंस चीफ गॉड ऑफ़ वुडन जो इनका लकड़ी और लकड़ी के मामला जो इनका खुदा देख रहा था भाई सही है ना उसके नाम पे उन्होंने गॉड ऑफ़ वुडन से इन्होंने वेडनेसडे कर दिया ये एंग्लो सेक्शंस थे ठीक है उसके बाद थर्सडे जो है इट इज़ ड्राइव फ्राम थॉर द गॉड ऑफ द थंडर ठीक है तो ये ऐसा गॉड जो कि थंडर वगैरह को कंट्रोल कर रहा है ठीक है तो इन्होंने कहा उसका नाम थॉर था इसके ऊपर मूवीज़ वगैरह भी आई हुई हैं थॉर के ऊपर और इसी से इन्होंने थर्सडे कर दिया ठीक हो गया फ्राइडे फ्राइडे जो है इनकी एक गॉडेस थी ठीक है गॉडेस फीमेल गॉड उसका नाम था फ्रीगा फ्रीगा और ये क्या मैरिड लव जो है उसको बढ़ाती थी ठीक है ना तो गॉडेस ऑफ मैरिड लव फ्रीका के नाम पे इन्होंने जो है फ्राइडे रख दिया सही हो गया तो ये गॉड्स के ऊपर रखे हुए सारे नाम आप देख सकते हैं सैचरडे सैचरडे जो असल में सैचर्नस डे था सैचरन जो एक वो है प्लानेट है उसके नाम के ऊपर उन्होंने रखा आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैंने इतने डीप गया नहीं हूँ तो बहरहाल ये सैचरन के ऊपर उन्होंने नाम रखा सैचरडे ठीक है और संडे संडे को उन्होंने डे डिवोटेड फॉर द दर्शिप ऑफ सन ठीक है भाई आज के दिन तो पूजा होगी खूब सन की तो सन की वर्शिप वाला दिन जो है इन्होंने सनडे एस यू एन सन मतलब सूरज तो सनडे आज का दिन जो है वो सूरज के लिए तो सनडे से वर्शिप ऑफ सन तो आई थॉट की कुछ नई नॉलेज मिलेगी आपको और चीज़ों का पता लगा होगा इनहेंस करते रहे चीज़ों को ये आपके इन कहीं ना कहीं काम आएंगी इसी तरह से एंटेमोलॉजी ये सारी इन इन आप कहने के मंथ्स की है जनवरी ये भी एक गॉड के नाम पे रखा गया इस गॉड का नाम था जेनस ठीक है और ये रोमन गॉड था और ये कहते थे गॉड ऑफ़ टाइम ये टाइम का गॉड है वक्त को कंट्रोल कर रहा है ये डोरवेज़ और पैसेज जो है ना उनको कंट्रोल कर रहा है ठीक है तो ये रोमन गॉड था गॉड ऑफ़ टाइम डोरवेज पैसेज उसके नाम पे उसका नाम था जैनस और उसके नाम पे जनवरी रख दिया सेम फॉर द फेबरी फेबर भी एक इनका एक गॉड था उसका नाम उसका नाम था फेब्यूरीलिया और ये गॉड क्या करता था ये प्योरीफिकेशन और सेक्रीफाइस के काम आता था आपको सेक्रीफाइस देंगे तो फिर आप प्योरीफाई हो जाएंगे यू you नो know, इस तरह के कॉन्सेप्ट ना इनके तो फेबरी के नाम पर फेबिर रख दिया मार्च इज़ ड्राइव फ्राम द मार्स गॉड ऑफ़ वार अच्छा गॉड ऑफ़ वार को ये मार्च भी कहते हैं सॉरी मैं बताना भूल गया यहाँ ऊपर जो गॉड ऑफ़ वार ये था ना ट्यूज़डे जो उन्होंने रखा था तो उसका नाम था मार्स और ये गॉड ऑफ़ वार तो मार्स से उन्होंने मार्च रख दिया अप्रैल अप्रैल जो है वो एक लातीनी वर्ड है लैटिन वर्ड जिस एप्रीरी अप्रीर ठीक है एप्रीर इसकी मीनिंग है बर्ड यानी टू ओपन बर्ड्स मतलब कली ठीक है ना टू ओपन तो अप्रैल के मंथ्स में ये लोग देखते थे कि जो बर्ड्स जो है ना कलियाँ जो हैं ये ओपन हो जाती थी और स्प्रिंग का मौसम आ जाता था तो इन्होंने इन्होंने कहा कि ये तो ओपन होने का मौसम है खुलने का मौसम है फूल वगैरह खिल रहे हैं सही रहे है ना कलियाँ खिल रही हैं तो वहाँ से उन्होंने इसको अप्रैल का नाम रख दिया सीजन की बेस पर रखा यह नाम उसके बाद में मैं जो है नेम रखा आफ्टर मारिया मारिया भी एक गॉडेस थी गॉडेस ऑफ ऑफ ग्रोथ ऑफ़ प्लांट्स तो ये देखते हैं कि इनके जो पौधे वगैरह जो उग रहे हैं और फसलें उग रही हैं इसको कौन कंट्रोल कर रही है इसको इसको एक गॉडेस कंट्रोल कर रही है उसका नाम इन्होंने मारिया दिया था और मारिया से इन्होंने मे कर दिया मारिया अभी भी हमारे यहाँ नाम मुस्लिम्स में है ये क्यों है इसकी वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि आ, मारिया कुता रजी अल्लाह जो कि आप व्लम की जो हैं वो अजवाज थी अजवाज मतहद में शामिल थी वो क्योंकि क्रिश्चियन थी वो क्रिश्चियन शायद मैं कॉकस ने दी थी शायद उनको आप सल्लम को तो उनसे जब निका हुआ आप सल्लम का तो फिर वो अम्मा मारिया बन गई जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उनका रतबा इतना बड़ा कर दिया तो नाम वहाँ से चलता हुआ आ गया नाम वहीं रहा तो आई आई बिलीव कि ये इस तरह से सिमिलरिटी है बहरहाल तो मे जो है वो ये इस तरह से था उसके बाद जून टेकिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जविनस हम कहते हैं ना जविनस का मतलब होता है छोटा बच्चा या अभी जो है आ, अपने यंग एज के अंदर जो है यूथ जुवेनाइल जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं या जुवेनाइल यू you नो know, छोटे बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ होती है तो उन्होंने कहा कि भाई जून का महीना हम इसके ऊपर रख देते हैं छोटे बच्चों या जवानों के नाम पे जुविनस ठीक है जुलाई इन जुलाई का मंथ है इन्होंने रखा जूलियस सीजार ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जूलियस सीज़ार एक बहुत बड़ा रोमन जनरल था ग्रेट रोमन जनरल सीज़र ठीक है ना उसके नाम पे उन्होंने ज्लाई रख दिया अगस्त भी एक बहुत बड़ा एम्प्रयर था इनका बेसिकली द फर्स्ट रोमन एम्प्रर फर्स्ट रोमन एम्प्रर रोमन एम्पायर बहुत बड़ी थी भाई अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाएं रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर ये दो ही बड़ी सल्तनतें थी बिफोर दी, दी, दी मुस्लिम्स फिर मुस्लिम ने आके तो इनका किला कमा किया बाद में तो फर्स्ट रोमन एम्पायर जो था उसका नाम था अगुस्त और उसी की याद में या उसकी सेलिब्रेशन में या उसको एवॉर्ड करने के लिए उन्होंने आठवें महीने का नाम रखा अगस्त ठीक हो गया फिर सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चारों महीने जो हैं ये आप कह लेंगे गिनती के नाम पर रखे गए लाइक सितंबर सेप्टम का मतलब होता है सेवन अक्टूबर अक्टूबर ऑक्टो का मतलब होता है एट नवंबर नोविम का मतलब होता है नाइन और दिसंबर डेसिम का मतलब होता है टेन तो ये सात आठ नौ दस सेप्टिम ऑक्टिम अक्टूबर नवंबर, दसम सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ये उन्हीं की बेस के ऊपर किया गया ठीक हो गया और राइट right. uh, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आई थाट के मैं इन्फॉर्मेशन एक साथ ही शेयर कर दूँ आपसे आप अब थोड़ी सी और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ओके okay. ठीक है एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये आपको याद रखने हैं सही हो गया विटर uh, yeah, ये यहाँ से स्टार्ट होगा जी इन सब को भाई वन बाय वन आप अपने उसमें उतार लें जर्नल में उतार लें मैं इस तरह से स्नैप्स कर करके मेन मेन चीज़ क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे ठीक है रशिया की जो है बहुत बहुत मशहूर एयरलाइन है एयरोफ्ट याद रखिएगा एयर कैनेडा नाम से ही समझ में आ रहा है कैनेडा ये एयरलाइंस पूछी जाती है ना एम में इसलिए कह रहा हूँ मैं एयर uh, फ्रांस नाम से समझ में आ रहा है एयर इंडिया नाम से समझ में आ रहा है आलिया रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस अब जॉर्डेनियन नाम आ गया तो ऑब्वियसली जॉर्डन की है एल इतेलिया, एल इटैलिया भी कुछ नाम समझ में आ रहा है कि इटली की होगी समझ में नहीं आ रहा भाई बाइमन जो है वो बांग्लादेश की है ठीक है बोआक और ब्रिटिश एयरवेज ये दो मेन एयरलाइंस हैं ब्रिटेन यानी यूके की बोआक और ब्रिटिश एयरवेज तो याद रखिएगा ये ठीक है कैथी पैसिफिक कैथी पैसिफिक हॉन्गकॉन्ग की है चाइना एयर नाम से समझ में आ रहा है चाइना एयर एमरेट्स आपको पता है आप में से सब ने इसमें सवर किया वही होगा यूनाइटेड अरब एमरेट्स यू की ठीक है उसके बाद गारूडा गारूडा जो है वो इंडोनेशिया की है इराकी एयरवेज इराक़ की है ये सवाल आया था मुझे अच्छी तरह याद है जे एल इन्होंने थोड़ा सा वो क्या किया इन्होंने उस एप्रिवेशन में दे दिया जे एल किस एयरलाइन है तीन चार ऑप्शन से तो जे एल का मतलब है Japanese Airlines ये जापान से रिलेटेड है मतलब जापान की एयरलाइन है और इनकी एक और बिगेस्ट एयरलाइन है यहाँ मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ ए एन ए ऑल निपोन एयरवेज़ ये बिगेस्ट एयरलाइन है जापान की निपोन क्यों है क्योंकि आपको पता होगा जापान का ओल्ड नेम जो है वो निपोन है सही है ओल्ड नेम ऑफ जापान इज़ निपोन तो ऑल निपॉन एयरवेज ये एक बहुत बहुत बड़ी एयरलाइन है इनकी जापान की शायद जापान की सबसे बड़ी यही है और इनकी जो गवर्नमेंट बेस है वो जापान एयरलाइंस है उसके बाद नैदरलैंडस के एल एम रॉयल डच एयरलाइंस इनको रॉयल डच एयरलाइंस भी कहते हैं या के एल एम भी कहते हैं तो आप समझ जाइएगा के एल एम नदरलैंडस ठीक है लुफ्त ये है जर्मनी की लुफेंसा ये लुफ हसाना जो भी आपको इसको प्रोनाउंस करें जर्मनी की है ठीक है उसके बाद पी आई ए पाकिस्तान की है पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवे ये अमेरिका की है पेन अमेरिकन वर्ल्ड एयर वे नाम सी समझ में आ रहा है लेकिन कभी कभी ये मिटा के देते हैं ये पेन किसकी एयरलाइन है ठीक है तो याद रखिएगा कैंटास मशहूर कैंटास जो ऑस्ट्रेलिया की है पंटास या कैंटास जो भी पढ़े हैं इसको रॉयल नेपाल एयरलाइंस नेपाल सबीना बेल्जियम और सऊदी एयरलाइंस तो सऊदिया की है ही सबीना इज़ वो बेल्जियम ठीक हो गया उसके बाद आगे चल रहा हूँ थोड़ी सी और यहाँ अट्ठाईस तो नाम ही आपको रट लेना है बस कुछ भी नहीं है सिंपल है तो आपके काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें से आ जाएँ स्कैंडेवियन एयरलाइंस स्कैंडेवियन एयरलाइंस जो है अच्छा देखो स्कैंडेवियन एयरलाइंस से पहले स्कैंडेवियन कंट्रीज़ को जानों के होती कितनी है ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी है भाई फिनलैंड आइसलैंड नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन ठीक है इन कंट्रीज़ को कलेक्टिवली जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ या स्कैंडेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है और इनको याद करने का सिंपल तरीका यह है एफ़ आई एन डी एस फाइंड्स ठीक है ऐसे मैंने इसका एक जो है वो वो बना दिया एब्रीवेशन टाइप का वो बना दिया एफ़ फॉर फिनलैंड आई फॉर आइसलैंड एन फॉर नॉर्वे डी फॉर डेनमार्क एंड एस फॉर स्वीडन ठीक है तो फाइंड्स से आप याद रख लोगे कि ये जो है स्कैंडेवियन कंट्रीज़ हैं या नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं इनमें जो एयरलाइंस चलती हैं कलेक्टिवली उसको हम बोलते हैं स्कैंडेवियन एयरलाइंस और राइट उसके नीचे सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस नाम से पता लग रहा है स्विस एयर नाम से पता लग रहा है स्विट्ज़रलैंड की है थाई इंटरनेशनल नाम से पता लग रहा है आपको थाईलैंड की है और ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज टी डब्ल्यू यू एस ए की तो यू एस ए की एक दो हैं याद कर लीजिएगा ये पैन थी पी ए एन पीछे और ट्रांस वर्ल्ड एयरवे ये भी यू एस की है ऑलराइट जैसे ही आप ये 28 एयरलाइंस याद करेंगे आपको कुछ इंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए ब्यूनिस एरीज़ अब देखो ब्यूनिस एरीज जो है वो है ही अर्जेंटीना का कैपिटल तो आप पहले ही बता दोगे यार अर्जेंटीना का है इसका नाम ये है एजीजिया एरोकोपिया और मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया का है टूले और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है किंग्स स्मिथ ठीक है वाइना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है और उसका है शिव शिव चैट ठीक है ब्रसिल्स जर्मनी उसका है जेमिनटम सैन पोलो ब्राजील एंड सो ऑन इस तरह से आपको काफ़ी नज़र आ रहे होंगे इसको अच्छी तरह देख लियेगा और ये क्या है भाई बड़ा इंटरेस्टिंग डमडम अच्छा कोलकाता का <laughs> ओके कोलकाता या इसको आप क्यालकत्ता बोलें इंडिया डमडम डमडम इनके एयरपोर्ट का नाम है सही है एथेंस जो कि ग्रीस का कैपिटल है यहाँ पर सेंटा क्रूज सेंटा क्रूज सुना होगा ना आपने सेंटा क्रूज और और भी हीथ्रो हीथ्रो एयर एयरवेज़ जो है या हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो लंदन यूके का इंपॉर्टेंट है ठीक है कैनेडी न्यूयॉर्क का जो आ, क्या वो है एयरपोर्ट उसका नाम है कैनेडी ये जॉन एफ कैनेडी के नाम पे रखा गया था उनके प्रेसिडेंट थे इस तरह से इसको भी डिटेल को देख लिएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो इसमें से चार पाँच सात आठ आपको याद होने चाहिए लाइक कोपिहेंजिन डेनमार्क इसका कभी पूछ लिया जाता है कैस्ट्रप इसके एयरपोर्ट का नाम है इस तरह से ठीक हो गया सो so, आगे चलते हैं द लास्ट पार्ट और राइट अच्छा इसको अभी यहीं को देते हैं एक और चीज़ थी इसके अंदर जो कि मैंने अभी ऐड नहीं किया नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा चलो इनशाला इन शाला ठीक है right राइट नाउ इसको अभी यहीं तक रखें कुछ 36 मिनट की वीडियो हो गई है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस और इस सारी इन्फॉर्मेशन को एबजॉर्ब कर लें याद कर लें रट लें लिख लें समझ लें हर जगह काम आने वाली है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा बहुत सारी इन्फॉमेसन के साथ इन अपना बहुत ख्याल रखिएगा टेक केयर इस चैनल का भी ख्याल रखिएगाफ़